Hello, everybody. How are you all doing? I hope you all are doing amazing and welcome you all on the day 17 of the motivational story session. Yes, this is going to be really, really amazing start for the Monday. And the story is for the newer vibe series that is currently going on. And today I have come up with a pebble shooter story. Yes, what's the story of this pebble shooter? So, uh, एक बहुत ही रोचक कहानी है बेटा ध्यान से सुना हीज ओके बचपन में एक छोटे से गांव में रहता था। हिज फादर और मदर बट ही रियली लाइक विलेजर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम सारे विलेजर्स जो भी थे सब इसकी uh, देखभाल करते थे uh, कोई कभी किसी इसके लिए किसी दिन uh, कुछ खाने के लिए कुछ स्पेशल बना के ले आता कोई इसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे देता दे था, था कोई कुछ करता था मतलब हर कोई इसके लिए कुछ ना कुछ तो करता ही रहता था ही वाज रियली लवेबल किड तो एक दिन क्या हुआ कि ये ऐसे uh, जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ खेल रहा था अब इसको खेल रहा तो ये भागत भाग तो सकता नहीं था क्योंकि ये ही वाज लाइक ही वाज नॉट वेल विद दिस लेग्स राइट तो ही हैज अ लेग सो ही डिसाइडेड मतलब ये सिर्फ इसके पास एक ही टैलेंट था ये ही ही वाज अ गुड शूटर क्योंकि ऑल द टाइम बाकी सारे बच्चे जब खेलते रहते थे इधर उधर कोई दौड़ भाग रहा है इधर उधर तो ये एक ही जगह बैठा रहता था और ये अपनी गुलेल्स को लेके और ऐसे शूट मारता रहता था और अलग अलग जगहों पे निशाने लगाता रहता था इसी में इसको मजा आता था, था एक दिन ऐसे ही अः सन सेट होने वाला था थोड़ी देर पहले इसको लगा कि ऐसे इसने एक गुलेल ली और पत्थर से मारा और जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उस पेड़ के बीच में से होते पत्थर निकला तो उस बीच में से एक शेप बनके आई नीचे जमीन पे कोई पक्षी की या किसी स्टार की कोई शेप बनी वो शेप ऐसी बनी कि जो सनलाइट आ रही थी ना तो वो उस पत्तों के बीच में से होते वो हो सनलाइट निकली तो वो जमीन पे एक शेप बना रही थी बहुत ही प्यारी शेडो उसकी बन रही थी सो ही रियली लाइक डेट और फिर थोड़ी देर बाद बाकी सारे बच्चे जो थे वो सब आ गए वहां पे तो उन्होंने देखा एंड दे वर वेरी शॉक्ड एंड वेरी लाइक रियली रियली लाइकड इट एज वेल तो उन्होंने फिर यही करा उन्होंने uh, उसने uh, सबको बोला कि uh, सब बच्चों को पूछा कि भैया एक और शेप बना के दिखाना और शेप बना के दिखाना तो उसने फिर एक और शेप बनाई और एक हाथी और उसका छोटा सा बच्चा ऐसे चलते हुए दिखाए तो सब बच्चे देख के खुश हो गए ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट और उसने बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथी चल रहा है और उसका छोटा सा बच्चा साथ साथ में चल रहा है और आगे कोई बैंडवाजा बारात मतलब ऐसे कुछ बैंड बज रहे हैं और देवर जस्ट वॉकिंग अराउंड तो बहुत ही प्यारा वो फील हो रहा था उसमें तो फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वहां से राजा जो वहां पे राजा थे वो अपने सिपाहियों के साथ जा रहे हैं तो वो जाते जाते वो वो वहां पे थोड़ी देर रुके तो ये सारे ये सारे बच्चे डर गए और वो जल्दी जाके छुप गए पेड़ के पीछे उसको लेके ठीक है वो पेड़ के पीछे छुप गए अब राजा वहीं पे ही थोड़ी देर रुका सिपाहियों के साथ और उसने उस पेड़ की छाव में रेस्ट किया वेन ही रेस्टिंग ही सॉ रेली नाइस तो उन्होंने उसने, wow, really, really nice. तो उसने, उसने अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ सिपाहियों और देख के आओ कि आ, कौन है ये चित्रकार मतलब किसने ये चीज बनाई है तो वो दोनों सिपाही बोले ठीक है साहब अभी हम जाते हैं तो वो गए तो बाकी सारे बच्चे डर गए कि उसने उन्होंने बोला कि अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया तो ये हमें पकड़ के ले जाएंगे तो सब बच्चे भाग गए अब ये जो बच्चा था ये तो अब लंगड़ा था सो ही वॉज अनेबल टू वॉक इट ही हैज अ लेम लेग तो ये भी उनके साथ भागने की कोशिश कर रहा था बट ही जो शॉर्टेड की रुको मेरे लिए रुको पर कोई भी नहीं रुका सब लोग डर के मारे भाग गए सारे बच्चे फिर पीछे से उसके सिपाही आए उसने देखा उसको खड़े हुए तो उसने पूछा कि आ, क्या हुआ तुम चलो राजा के सामने चलो राजा बुला रहे हैं

तो उसने देखा कि एक चिड़िया अभी अभी उड़ते हुए आई थी तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया उसने क्या करा एक पत्थर लिया और फिर आ, 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 मारा पेड़ पे तो उसमें से एक चिड़िया की शेप बनी अब वो चिड़िया की शेप ऐसी बनी कि वो चल रही थी और ऊपर ऑलरेडी एक चिड़िया थी तो वो आवाज कर रही थी तो हवा के कारण जब पत्ते हिल रहे थे तो वो चिड़िया ऐसा लग रहा था कि वो उसकी शेडो जो है वो चल रही है और चिड़िया आवाज कर रही है तो इट वॉज कि चिड़िया की आवाज आ रही है उसी शेडो में से कहीं ना कहीं तो बहुत ही प्यारा उसने वो चीज बनाई वो तो राजा को बहुत ज्यादा पसंद आई राजा बहुत खुश हुआ तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारे जैसे ही होशियार और बहुत ही स्मार्ट बच्चों की जरूरत है तो मेरे साथ मेरे अः महल चलो तुम्हें एक छोटा सा काम मेरे लिए करना होगा तो उन्होंने बोला ठीक है वो उसके साथ चल दिए महल तो उन्होंने बोला कि एक अः लड़का है हमारे मीटिंग होगी आज तो वो हर मीटिंग में बहुत ज्यादा बोलता है वो किसी की बात ही नहीं सुनता एक मंत्री बहुत सारे मंत्री होते हैं तो वो लड़का जो है मंत्री जो है वो किसी की बात नहीं सुनता वो अपनी अपनी बात बोलता रहता है बोलता रहता है वो कभी भी सुनता ही नहीं है तो वही हुआ फिर तो उसने बोला कि तुम कुछ मत करो बस ये उसने एक कड़वे कड़वे नारंगी के नारंगी उसने पकड़ा है बोले कि जब भी वो कुछ बोले तो ये कड़वा जो फल है ये तुम गुलेर से फेंक के उसके मुंह पे सीधे सीधे डाल देना उसके मुंह के अंदर तो उसने बोला ठीक है अब वो गया और वो गया तो वो छुप गया पीछे पर्दों के पर्दों के पीछे वो सभा शुरू हुई वो वो आए अब वो बैठा बैठा ये सोच रहे थे कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं इनमें से कौन था ये तो बहुत सारे मंत्री हैं अब इनमें से कौन है वो जो बहुत ज्यादा जिसको मेरे मतलब जिसको मेरे को निशाना बनाना है अब वो कंफ्यूज हो गया अब उसने सभा शुरू की राजा ने तो अब पहले मंत्री ने बोलना शुरू करा जितने में दूसरा खड़ा होके अपनी बोलने लग गया फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका ही था जितने में तीसरा बोला तो तीसरे को रोक के दूसरे वाले ने बोलना शुरू कर दिया सेम नहीं हर किसी को वो दूसरा वाला जो मंत्री था वो सबको काट रहा था तो वो समझ गया कि यही है वो इसी को मुझे चुप कराना है तो जैसे उसने बोलना शुरू करा उसने गुलेल उसके मुंह में नारंगी डाल दिया कड़वा सा तो उससे बोला ही नहीं गया फिर थोड़ी देर बाद उसने वो थूका और फिर वापिस उसने बोलना शुरू करा फिर से उसके मुंह में नारंगी चला गया ऐसे चार पांच बार हुआ तो उसने फिर बोलना बंद कर दिया उसने बोला कि आज मैं नहीं बोलूंगा आज आप लोग बोलिए तो वो चुपचाप हो गया उससे डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है आज तो वही हुआ फिर वो बैठे बैठे सबकी राय सुन रहा था तो उसे लग रहा था कि हम्म क्या बात है पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सबकी बात सुन रहा हूं मैं सच में शायद बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं दूसरे की बात सुन ही नहीं पाता तो उसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ जब सभा खत्म हुई तो राजा उसके पास गया तो उसे बोला कि देखा आज तुम्हें तुमने सबकी बातें सुनी तो तुम्हें कितना ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तुम्हें सबके ओपिनियन कितने अच्छे लगे तो हमेशा लाइफ में सबकी मतलब सुनो भी और अपनी अपनी भी राय दो लेकिन सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिस्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट था और उसने अपने गांव वालों को भी जो भी थी हेल्प वो वहां से उनको हेल्प करते भी भेजता था कुछ खाने का सामान या कुछ भी और गांव वाले भी उसके लिए महल में ही कुछ खाने का अपनी तरफ से लेके आते रहते थे और वो उनके साथ भी रहता था फिर राजा के महल में भी रहता था और सबको वो एंटरटेन करता था अपनी शूटिंग स्किल से है ना so guys i hope you really like this story and this is about me my name is Jayant and you're an academy favorite educator and this is the india's largest e-learning platform Unacademy. academy live classical you get to learn from the top educators and uh, they are different kinds of subscription plans plus iconic and uh, special plan is also there which is completely free of cost you can unlock that plan by using the code jyc 10 easily all right you might have seen uh, in the starting of the video at the top

तो इस तरह की आपकी बहुत सारी हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है तो यहाँ पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसके साथ साथ आपको पर्सनल स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी प्रिपरेशन को टेन टाइम्स इंक्रीमेंट मिलता है पुश मिलता है टेन टाइम्स तो दिस इज अगेन बेस्ट प्लान दिस इज सिलेबस इन शॉर्ट तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी ये सारे सारे कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं एंड दिस दीज आर द इन शॉर्ट बेनिफिट्स ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि एन अकेडमी पे आपको मिलता है मेंटरशिप गाइडेंस आंसर राइटिंग स्टडी मेटीरियल लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज टॉप एडुकेटर से पढ़ते हैं आप और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज यू गैट

तो जैसे ही आप फॉर द सेम फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आप जेवाईसी कोड यूज करेंगे आपको टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पे भी मिल जाएगा राइट चलिए दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो डू ज्वाइन द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द क्लासेस राइट सारे आपको रेगुलर अपडेट्स यहां पे मिलते रहेंगे सो यस दिस इज अबाउट मी डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू द चैनल इफ यू रियली लव द सेशन लेट्स क्रैक इट

Thank you so much for uh, listening to this amazing short story. And I hope you really loved it and uh, love the concept behind it. And what the story uh, actually says uh, is that uh, you have to be very courageous and you have to be very, very consistent in your uh, things that you are doing. Doesn't matter what uh, how the situations are. Again, I'm saying you because oh, tha, hai na. he has a lame leg. सो so, ही uh, uh, if he would not have that talent वो बैठे बैठे अगर कुछ नहीं करता बस uh, गांव वाले लोगों का प्यार मिलता वो कुछ भी नहीं करता तो उसका वो जो शूटिंग का एक्सपीरियंस था जो इतनी अच्छी स्किल्स थी उसकी वो क्रिएट डेवलप नहीं हो पाती और अगर वो नहीं हो पाती तो वो उस पेड़ के पेड़ में से वो मार के वो इतने ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिविटी दिखा नहीं पाता और वो ना राजमहल तक जा पाता i hope you understood it and get a lesson so guys thank you so much for joining me here take care stay home stay safe bye